हेलो स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ निशा योर साइंस टीचर. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास. सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर वन ऑफ साइंस. साइंस का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. आवर लेसन फर्स्ट चैप्टर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. जीवित और निर्जीव वस्तुएं. जीवित मींस क्या होता है? जिंदा. जो जिंदा होती हैं, जो चल फिर सकती हैं, बोल सकती हैं, उन्हें जीवित कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव. निर्जीव उन्हें कहते हैं जो मरी हुई होती हैं, जैसे डेड होती हैं. जैसे कि आप ये पेंसिल देखो, ये बेटा पेंसिल बोल नहीं सकती बच्चों, इसे निर्जीव वस्तु बोलेंगे. आवर सराउंडिंग्स हैव वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स. हमारे परिवेश में, परिवेश मीन्स होता है आसपास, चारों तरफ. हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं. हमारे चारों तरफ अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं. यू नो डैट द एरिया अराउंड अस इज कॉल्ड आवर सराउंडिंग्स. आप जानते हैं कि हमारे आसपास के क्षेत्र को हमारा परिवेश कहा जाता है. हमारे आसपास का जो भी एरिया होता है उसे हमारा परिवेश कहा जाता है. हैव यू एवर ट्राई टू नो अबाउट योर सराउंडिंग. क्या आप अपने परिवेश के बारे में जानना चाहते हैं? डू यू नो डैट टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रजेंट इन योर सराउंडिंग. क्या आप जानते हैं कि आपके परिवेश में किस प्रकार की चीज़ें हैं? क्या आप जानते हैं हमारे चारों तरफ किस प्रकार की चीज़ें हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आर प्रेजेंट अराउंड यू इन फॉलोइंग सिचुएशन. निम्नलिखित स्थिति में अपने आसपास मौजूद चीज़ों को एक सूची, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनकी एक हम सूची बनाएंगे. ओके बच्चों, जैसे थिंग्स अराउंड यू इन योर होम. थिंग्स अराउंड यू इन योर होम, जैसे अपने घर में अपने आसपास की चीज़ें. थिंग्स अराउंड यू इन ए पार्क, जैसे पार्क में आपके आसपास की चीज़ें. यू वुड रियलाइज दैट वी फाउंड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आपको एहसास होगा, आपको फील होगा कि आपने परिवेश में जीवित और निर्जीव वस्तुएं हैं. आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास जीवित और निर्जीव चीज़ें हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था जीवित और निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं. ठीक है, ओके बच्चों. वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग आर एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स. विभिन्न प्रकार के जानवर पौधे और इंसान यानी मनुष्य जीवित चीज़ों के उदाहरण हैं. ये सब जो जैसे जितने भी जानवर और मनुष्य हैं ये सब जीवित हैं. ये जीवित चीज़ों के उदाहरण हैं. ओके, चेयर टेबल वॉल्स क्लॉक बुक पेन योर स्कूल बैग इटीसी, ये सारी आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये सब चीज़ें क्या हैं? जैसे पेंसिल, कुर्सी, मेज, आपकी बुक, आपका बैग, स्कूल बैग, ये सब क्या है? निर्जीव चीज़ें हैं. ये बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, इन्हें हम निर्जीव वस्तुएं बोलेंगे. हाउ डू यू डिफरेंटिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. आप जीवित और निर्जीव के बारे में पता करेंगे. हम कैसे पता करेंगे? लेट्स फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जीवित चीज़ों की विशेषताएं, जीवित चीज़ों की विशेषताएं बताती हैं. लिविंग थिंग्स नीड फूड. जीवित चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मनुष्य, जानवर, ये सब, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, जीवित चीज़ों को भोजन की आवश्यकता होती है. फूड गिव्स देम एनर्जी टू डू वर्क. भोजन उन्हें काम करने के लिए, भोजन जो होता है उन्हें, मतलब जीवित चीज़ों को काम करने के लिए ऊर्जा देता है. जब हमें भूख लगती है, हम खाना खाते हैं, तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है. फूड आल्सो गिव न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो. भोजन बढ़ने के लिए भी पोषक तत्व देता है. भोजन जो हमारे बॉडी में कुछ ग्रोथ आती है जिससे हम बढ़ते हैं. छोटे से आपने देखा होगा, छोटे से हम बड़े होते हैं, वो भोजन से, भोजन खाने से हमारे अंदर जो ग्रोथ आती है, पोषक तत्व खाते हैं उससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है. तो भोजन से हमें पोषक तत्व मिलता है. ऑल एनिमल्स गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स. सभी जानवरों को पौधों से सीधा अपना भोजन मिलता है. जितने भी जानवर होते हैं पौधों से उन्हें अपना भोजन मिलता है. हम पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं वो पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं. प्लांट्स डू नॉट नीड कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम आउटसाइड.
पौधों को बाहर से भोजन की जरूरत नहीं होती, पौधे जो होते हैं उन्हें बाहर से भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एयर एंड सनलाइट। वे जल वायु और सूर्य के प्रकाश की सहायता से, पौधे जो होते हैं जल वायु मीन्स हवा और सूर्य का जो प्रकाश होता है धूप, उसकी सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब खुद बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। निर्जीव व निर्जीव चीज़ों को, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फूड नीड फूड। निर्जीव चीज़ें जो होती हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती। आप जैसे कि आप देखते हो ये पेंसिल, इसे भोजन की आवश्यकता है, ये निर्जीव है, इसे भोजन की आवश्यकता नहीं होगी।